हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके? कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छे हैं और आपका एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है, अभी कुछ समय कुछ दिनों के अंदर में, तो आप उस एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सारे काम अभी आपके लिए सेकेंडरी हो गए हैं और प्रायोरिटी पे आप एग्ज़ाम को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है। आज मेरे बच्चे आपके पास आने का जो मेन रीज़न है कि आपके 12th क्लास में जो पेपर का पैटर्न होगा वो खासकर अकाउंटेंसी का, क्योंकि मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी का पैटर्न क्या होगा, प्लस चारों सब्जेक्ट पांचों सब्जेक्ट जो आपके 12th क्लास में है, हम उनको किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजी हमारा होना चाहिए, रिविजन कैसे करना है, क्या अभी करें क्या नहीं करें, हम उसके बारे में छोटी छोटी बातों में आपके साथ चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज जो चीज़ें आपको बता रहा हूं, ये कभी ना कभी मैं भी आपके जगह पे था, मैंने उसको फॉलो किया, अच्छे मार्क्स लिए, और जो आज तक मेरे बच्चे हजारों ऐसे बच्चे हैं जो अभी अच्छे जगह पे प्लेस्ड हो चुके हैं, वो सीएमए सीएस या गवर्नमेंट जॉब में या फिर कोई अच्छे पोस्ट पर ही पहुँचे हुए हैं, उन सबकी लगभग कहानी जो है ना 12th क्लास में यही रही होगी जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी बहुत ज्यादा टेंशन आपके ऊपर होगा, सर में दर्द हो रहा होगा, बॉडी में पता नहीं कहां कहां कंपन हो रहा होगा, पापा मम्मी दो सबके सपनों को पूरा करना है, अपने सपने हैं कि मुझे 100 में 100 लाना है, 99% लाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, दुनिया को दिखाना है, दोस्तों को दिखाना है। मैं कहता हूं इन सब बातों को छोड़ दो, ये जो हम दिखाने की बात करते हैं ना, ये समझो कि एक तरीके से क्या होता है, बस दिमाग में टेंशन क्रिएट करता है। मैं कहता हूं एग्जाम को एक पर्व के रूप में एंजॉय करो, किसी को नहीं दिखाना। पर्व में क्या आप किसी को दिखाने जाते हो कि खुद एंजॉय करते हो, खेलने जाते हो ना, मस्ती करने जाते हो, तो वही काम हमें यहां भी करना है। हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें बेस्ट तैयारी करके एग्जाम देने जाना है। रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं सोचना, क्योंकि जब हम वो चीज सोचते हैं जो कि अनसर्टेन है तो खामोखा अपने टाइम को खराब करते हैं। रिजल्ट क्या होगा नहीं सोचना, बेस्ट तैयारी करना है, ये हमें ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं बच्चे। मतलब डर जो आ रहा होगा और आपके एग्जाम में कहीं भूल ना गया, इतने सारे पेपर्स हैं, इतनी तैयारी है, इतना कैलकुलेशन है, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, ये सब दिमाग में अभी आ रहे होंगे, सबके दिमाग में आते हैं, मेरे भी दिमाग में आते हैं, सबके दिमाग में, ये ह्यूमन नेचर है। और ये आने का मतलब है कि हम लोग ना अभी थोड़े सीरियसनेस के तरफ में और बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सीरियस हो रहे लाइफ को लेके, दैट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये सोचते हो कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, तो होता क्या कि आप उसका बार बार रिविजन करते हो, और इससे क्या होता है माइंड में और अच्छी तरीके से बैठ जाता है, और ये भूल जाऊंगा गलत हो जाएगा ये आता है निगेटिव थॉट से, जो होगा तो ही आप पॉजिटिवली काम करना शुरू करोगे। तो मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। अब मैं आता हूँ आपके पेपर पे, खासकर अकाउंटेंसी पेपर की बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो पॉइंट्स मुझे आपसे डिस्कस करना है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए मैं आपके ऊपर आता हूं। पहले तो अकाउंटेंसी पेपर कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटेंसी पेपर यहां पे दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर में आपका जो 60 मार्क्स होगा टोटल पेपर, आपको 80 मार्क्स का होगा, पार्ट ए 60 मार्क्स का, पार्ट बी 20 मार्क्स का। जो पार्ट ए होगा और पार्ट बी दोनों मिला के, जो मैंने कहा 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का टाइम पीरियड होगा, 3 घंटे में 80 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। मजे की बात है कि इस बार क्या क्या है कि सीबीएसई ने 20 मार्क्स का आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन डाल दिया है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें कम टाइम लगते हैं, फटाफट करते हैं, टाइम की सेविंग होती है, बशर्ते कि हमने पहले से प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है। उसमें थ्योरी भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है, वो एक नंबर में एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से सही वाले को टिक मार्क करना होगा, या सिंपली वो क्वेश्चन ही आ गया एक नंबर का कि भैया बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब आपको रेडी रहना है। सबसे अच्छी बात कि जिन बच्चों ने मुझसे पूरा अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ है वो 100% मार्क्स की तैयारी कर चुके हैं। मैं आपको दावे के साथ बताने को तैयार हूं कि एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर आपका हटके नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हमेशा क्या किया ना कि जो आपका लेवल रखा ना क्लास में वो थोड़ा सा अप रखा हुआ है। मतलब आप जब एग्जाम के हॉल से बाहर निकलोगे तो हो सकता है कि आप मुझ पर गुस्सा करना शुरू करो कि सर आपने इतने टफ कॉन्सेप्ट करा दिए और एग्जाम तो इतना सिंपल आ गया। एग्जाम बहुत सिंपल आने वाला है और 12वीं क्लास का पेपर है, सिंपल ही आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको गुस्सा आएगा कि सर आपने क्यों किया। मुझे अच्छा लगेगा,
अगर आपको गुस्सा आया भी, क्योंकि आपकी तैयारी जो है बच्चे मैंने उस लेवल की कराई है कि मतलब आपसे कोई बड़ा बच्चा भी हो ना उससे भी आप कम्पीट कर जाओगे। एनीवे अभी मैं कंपटीशन में नहीं जा रहा, मैंने कहा कि हम एंजॉय करेंगे उस चीज को। तो मैंने बताया कि आपका एग्जाम का जो अकाउंटेंसी का पेपर होगा पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट बी में दो चीजें हैं आपका, एक तो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो 99% स्कूल में आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, मुझे पता है 100% में भी हो सकता है। तो आपको उसके अटेम्प्ट करने हैं। जो आपका पार्ट बी का सेकंड आपका ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसको हमें सोल्व नहीं करना। ऐसा ना हो कि हम सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक करते चले गए, मजा आया। एक क्वेश्चन के अंदर में दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए भी कर दिया बी भी किया, ऐसा थोड़ा ही होगा। मतलब एग्जाम को शुरू करने के पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर में जो लिखा रहता है ना, रीड केयरफुली, कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस किस में ऑप्शन है, क्या क्या, उसको बहुत ध्यान से हम पढ़ते हैं और फिर उसी के हिसाब से हम करना शुरू करते हैं, है ना। तो ये बात बहुत ध्यान से रखना, कई सारे क्वेश्चन के बीच में जैसे आपके एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के आपका, तो 20 मार्क्स यहां हो गए। फिर आपका 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, और ये जो 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है या फिर आगे 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। अब ये जो हमने कहा ना कि 6 मार्क्स और 8 मार्क्स के आपके 6 के 3 क्वेश्चन और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, पर बच्चे इन 2 क्वेश्चन में भी बीच में च्वाइस होगा या हो सकता है, मतलब 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। ऐसा नहीं कि जोश में आके हमने दोनों कर लिया कि हम 8 मार्क्स यहां भी ले लेंगे 8 मार्क्स यहां भी, मतलब और में यह भी, ये ऐसा थोड़ा करना है, एक ही करना है। इसलिए रीड क्वेश्चन केयरफुली और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ के फिर क्या करना है कि एग्जाम अटेम्प्ट करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम आपका 80 मार्क्स का है और 3 घंटे का टाइम पीरियड है। तो मेरे बच्चे 80 मार्क्स 3 घंटे अगर देखा जाए तो एक नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम 2 मिनट का भी टाइम डिवोट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, 1 मिनट के क्वेश्चन पे अगर 2 मिनट का टाइम भी डिवोट करते हैं तो 80 मार्क्स पे 80 × 2 यानी कि 160 मिनट्स में आपने पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। 160 का मतलब हो गया 2 घंटे 40 मिनट। फिर भी लास्ट के 20 मिनट्स आपके पास बच जाएंगे जिसमें आप पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर शीट को आप रीचेक कर सकते हो। सर ये क्या 3 घंटे में आपका जो बोलो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना पॉसिबल है? मेरे बच्चे 3 घंटे क्या मैंने कहा ना 2 घंटे 40 मिनट में पॉसिबल है और इससे भी कम टाइम पीरियड में, बशर्ते कि एक बात ध्यान रखना, अभी के टाइम क्या होता है बच्चे बोलते हैं यार चलो रिवीजन करता हूं, और आप रिवीजन पता क्या करते हो, पूरे बुक का एक एक क्वेश्चन करना शुरू करते हो। जैसे मान लो कि फंडामेंटल पार्टनरशिप है, उसमें मैंने मान लो 80-90 क्वेश्चन कराया है 20-30 बुक में और भी दिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप एक एक क्वेश्चन करना शुरू करते हो, बेवकूफी है। एग्जाम के टाइम पे ऐसे थोड़ी रिवीजन होता है, मैंने कई बार आपको आपके वीडियो क्लास में बताया है, दोबारा बताता हूं, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है कि आपको अगर बुक से रिवीजन करना है, रिपीट कर रहा हूं रिवीजन क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको बुक से रिवीजन करना है तो हर एक चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन ही हाथ से प्रैक्टिस करो, 1 या 2 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन को क्या करना मेरे बच्चे, बस नोट्स पलटना है कि अच्छा इसको हमने ऐसे पढ़ा था ऐसे पढ़ा था ऐसे पढ़ा था, कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो अगर, चांसेस ना के बराबर है क्योंकि हमने बहुत कॉन्सेप्ट पे काम किया है, लेकिन अगर भूल गए हो इनकेस क्योंकि मनुष्य हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहां पर जाके उस वीडियो को दोबारा क्या करो आप एक बार देख के रिवाइज कर लो, हो गया रिविजन आपका और फिर आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए। ऐसे ही सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट्स में आपका रिवीजन होना चाहिए, ये बेस्ट तरीका। एक बात और, थ्योरी का प्रैक्टिस हमेशा हम लिख लिख के करते हैं, जनरली बच्चों को देखा गया है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, इसमें हम क्या करते हैं जी बस रटते हैं, मतलब हाँ ठीक है आता आता, ऐसा नहीं। रिवीजन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, लिख लिख के होना चाहिए, जितने आप लिखोगे उतना आपका हाथ बैठेगा, उतना आपको मजा आएगा, ये तरीका होता है बुक्स रिवीजन करने का। अगर आप ये प्रोसेस खत्म कर चुके हो, जबकि हो जाना चाहिए अभी तक, तो पता अब रिवीजन क्या होता है, ये भी ठीक नहीं है। अब तो आपको अच्छे मार्केट के सैंपल पेपर को उठाओ, सैंपल पेपर जैसे 2 नाम लेता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि यही लेना है, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अच्छे सैंपल पेपर है। एक टी एस ग्रिवाल का भी नया उन्होंने लॉन्च किया जी, उसका नाम है आपका NA2 अकाउंटेंसी, टी एस ग्रिवाल का जो न्यू एडिशन, ध्यान रखना न्यू होना चाहिए एग्जाम के लिए आपका, जो अभी कमिंग एग्जाम है उसके लिए, या तो उसको ले लीजिए या फिर यू लाइक
एक ये भी सैंपल पेपर आता है, अच्छा सैंपल पेपर है, तो आप इनमें से कोई भी एक लेकर ना आपको क्या करना, सैंपल पेपर से तैयारी करना है। सैंपल पेपर का मतलब होता है जिसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको एक साथ दिखाई दे एग्जाम के पैटर्न पे। इससे क्या होगा ना कि अब आपका दिमाग खुलेगा, अच्छा दो तीन फायदा है यार, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपने 8-10 सैंपल पेपर सॉल्व भी कर लिया, करना है, मन नहीं करेगा, मुझे पता है कि यार एग्जाम में ही कर लूंगा, फिर भी आपको करना है, क्योंकि जब 8-10 पेपर सॉल्व करके एग्जाम देने जाओगे तो पहले से ही एग्जाम 8-10 बार दे चुके हो, अब करना क्या है, अब तो सिर्फ आपको 11वीं बार यानी कि एक बार और देना है, ये कंफर्म्ड है कि आप टाइम पीरियड में क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको? तो ये कीजिए, अब बुक से रिवीजन करने के बजाय आप कोई सैंपल पेपर अच्छा उठाइए जो मैंने बताया और फिर उससे करना शुरू करो, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ, पार्टनरशिप कहा गया, फिर कंपनी कहा गया, फिर आपका रेशियो कहा गया, जब ऐसे सडन क्वेश्चन आपके पास आएंगे आप सॉल्व करोगे दिमाग बैठ जाएगा। क्लियर यहां तक? यस सर। दूसरी बात कि मेरे बच्चे एग्जाम में जब हम जाते हैं क्वेश्चंस को आपका देने के लिए, तो एक होता है कि यार मैं स्केलिंग कैसे करूं, क्या स्केल से करूं, नरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो लिखूं कि ना लिखूं, डेट टाइम जो लिखा होता है उसको लिखूं कि ना लिखूं, क्या करूं मैं? तो देखो मैं क्या सजेस्ट करता हूं, अगर मेरा स्केलिंग मतलब हाथ से ठीक होता है, हाथ से स्केलिंग थोड़ा सा अगर टेढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्केलिंग हाथ से करूंगा। हमें डेट टाइमिंग पर्टिकुलर अमाउंट स्टार्टिंग में नहीं लिखना, हमें नरेशन भी जब तक तो क्वेश्चन ना बोलते स्टार्टिंग में नहीं लिखना, हमें आंसर को सॉल्व करना है, आंसर को सॉल्व करना है, सजाना नहीं है। तो अगर आपने 2 घंटे 40 मिनट या उससे कम पीरियड में आपने ये काम खत्म कर लिया, जो पहला टारगेट था 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना, अगर आपने ये कर लिया मेरे बच्चे, अब जो लास्ट का 20 मिनट्स है ना आपको उसमें अगर नरेशन लिखना है लिखो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखना लिखो, लेकिन पहले लिख के टाइम बर्बाद मत करो। मैं वर्स्ट केस में बहुत बदमाश आदमी मिल गया, एग्जामिनर जो कॉपी चेक किया तो हो सकता है पता है कि 8 नंबर में अगर आपने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा तो आधा नंबर काट ले, लेकिन आधे नंबर को बचाने के लिए अगर मान लो 2 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाया लास्ट में क्योंकि टाइम मैंने बर्बाद कर दिया सब चीज के अंदर में, तो बहुत आपको लॉस होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आपका टारगेट 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। जब 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया और फिर अब लास्ट में टाइम बचा हुआ है तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट स्केलिंग जो भी करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। एग्जाम में क्या होता है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, जैसे मान लो आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया और आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया, अब कैश फ्लो आपका मैच नहीं किया किसी रीजन से हो सकता है, तो आपने कसम खा लेना होता है कि ना भैया मैं तो इसको मैच करूंगा और इसमें पूरे मार्क्स दूंगा तभी अगले क्वेश्चन में जाऊंगा, ऐसा आप कसम खाते हो खासकर एग्जाम के अंदर में। ये काम नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना आपके एग्जाम में पॉइंट वाइज मार्किंग होती है। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और मान लो किसी रीजन से आपका आंसर मैच नहीं किया, कोई एक या दो गलती है, तो उस 1-2 गलती के मार्क्स कटेंगे मेरे बच्चे, पूरे मार्क्स 0 नहीं होंगे। इसलिए ऐसे कसम को, ऐसे प्रतिज्ञा को एग्जाम में अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, नहीं खाना ये सब। होना क्या चाहिए, पहला क्वेश्चन सोल्व किया, मैच कर गया ठीक है, आंसर मैच नहीं किया, नहीं किया मान लो, तो आपको क्या करना, बस 1-2 मिनट का समय दो वहां पे उसको रीचेक करने के लिए, मिल गया गलती छोटी गलती है सुधारो आगे बढ़ो, नहीं मिला कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। ये काम करना है, आपका टारगेट पहले 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर सारे क्वेश्चन में भी एक एक आधा आधा गलती हुआ भी ना बच्चे, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इन कंपेयर टू कि आपने किसी क्वेश्चन पे पूरा टाइम खराब कर दिया। इसलिए ऐसा काम नहीं करना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऐसे मुझे पता है कि एग्जाम में आप इतने केयरफुल होते हैं कि ऐसा मौका आता ही नहीं है कि आप कुछ मतलब गलती होगा, बट हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है यहां तक आपका? यस सर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहां पे मैंने नरेशन की बात कर लूं, आपका ये कर लिया, हाँ जी, अब इसके बाद मैं टेंशन को अवॉइड करना मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका अकाउंटेंसी पेपर में चाहे किसी भी पेपर में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पे पूरा ध्यान देना है। थ्योरी को प्रॉपर तरीके से लिख के हम याद करेंगे, प्रैक्टिकल को आपने जो पढ़ा वो, और जो आपने पढ़ा उससे ही क्वेश्चन आएगा। मैं ये बात जानता हूं, मैं दोबारा बता दूं कि उससे हटके कुछ नहीं आएगा, विश्वास रखना इसके ऊपर में, बस आपको अपने स्पीड को बढ़ाना है, आपकी स्पीड को बढ़ाना है, आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे।
मेरे बच्चे, अगर मान लो यहाँ पे आपके पास लगभग सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बताए दिया, टाइम का डिवीजन आपका, पेपर कब, ये सब चीजें, हाँ टेंशन को हम अवॉइड करेंगे करेंगे आपका। अभी जैसे आपके पास पांच पेपर है, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, आपके पास इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स, तो मैथ्स भी होगा आपके पास यहाँ पे। आप अभी से ऑनवर्ड टाइम को प्रॉपर तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए इक्वल डिवाइड करो। अगर आपके अकाउंटेंसी में 100 में 100 आ गए और बाकी में कम तो भी फायदा नहीं है। तो हमें टाइम का प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। आपको ये नहीं कि कॉन्टिन्यूस आप एक रूम में बैठ गए और पढ़ाई किए जा रहे हो, पढ़ाई किए जा रहे हो, मम्मी पापा आ रहे हैं, बेटा क्या हाल चाल है, ठीक है ठीक है, किसी से बात नहीं कर रहे हो आप घर में, ऐसा नहीं करना। आप पढ़ो, बाहर जाओ, मस्ती करो, फिर पढ़ो, मतलब पढ़ाई में गैप होना चाहिए। और अभी जो टाइम है मेरे हिसाब से तो पता क्या होना चाहिए, क्योंकि अब स्कूल की छुट्टी आपकी हो जाएंगी, आप एक दिन के अंदर में जैसे आपने क्या किया, अकाउंटेंसी पे सपोज के 2 घंटे दिए, फिर आपने थोड़ा सा मस्ती किया, आपने इकोनॉमिक्स पे 2 घंटे दिए, फिर थोड़ा सा मस्ती किया और फिर आपने क्या किया, बीएसटी पे 2 घंटे दिए। ऐसे करते करते मतलब एक दिन में आपके, क्योंकि 5 या 6 पेपर होंगे तो 3 से ज्यादा पेपर स्टडी नहीं करना कि नहीं जी 1 घंटा ये फिर 1 घंटा, ऐसा नहीं। अभी थोड़ा टाइम बढ़ाना होगा पढ़ाई के लिए, तो मेरे हिसाब से स्कूल आपको जाना नहीं है, तो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, मतलब 8 घंटे भी घर में स्टडी करते हैं प्रॉपर गैप में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से खाना खाइए, पानी पीते रहे, सब कुछ खाओ, सब कुछ पियो, बस टेंशन को छोड़कर, है ना। आप फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, कितने मार्क्स आएंगे, कौन क्या बोलेगा, कुछ नहीं सोचना, लाइफ बहुत आगे है। और मैं तो आपको बोलता हूं कि प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट कंडीशन। फेल हो गया तो क्या मैं आत्महत्या करूंगा, आई क्विट? आपको भी मरना नहीं, मरना, फेल हो गया ऐसे तो होगा नहीं, कोई ट्वेल्थ क्लास में होता नहीं है, अच्छे अच्छे सबके मार्क्स आते हैं। बट एक बार और आपकी बात तो मैं क्या बोलूँ, आप तो मस्त हो, लेकिन फिर भी आगे टाइम है, जमाना है, अभी बहुत कुछ है हमें पाने के लिए। तो मतलब टेंशन किसी तरीके का नहीं होना चाहिए, सपने अपने हैं, हम उसको पूरा करेंगे और किसी का नहीं, ठीक है। तो यही सारी बातें, अब तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने बता ही दिया नरेशन, स्केलिंग, ये सब आपका हमेशा एंड में होगा। रिविजन जो आपको सैम्पल पेपर से करना ही करना है, बाकी कुछ अब बचता नहीं मेरे बच्चे। तो मैं अब बस यहीं पर रुकूंगा, मैं 2-3 बातें शॉर्ट में करूं, प्रॉपर रिवीजन विद द सैंपल पेपर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर द अकाउंट्स, आई एम टॉकिंग सॉरी सभी के लिए होना चाहिए। सैंपल पेपर से तैयारी कीजिए, पैटर्न देखिए क्या निकल के आता है, हाथ से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और बुक को मतलब चैप्टर को अननेसेसरी पढ़ना एक एक चीज को आपको फायदेमंद नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। स्केलिंग, नरेशन, डेट, पर्टिकुलर्स, ये हमेशा बाद में, पहले टारगेट पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन करते समय कहीं पे फंस गया, नहीं आंसर, अच्छा एक बात और भी बताने वाला हूँ, मुझे याद आ गया, बट क्वेश्चन करते समय फंस गया और या फिर आपका आंसर मैच नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन, और फिर ऐसे ऐसे करते। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में हमेशा ऊपर में लिखा रहता है कि सॉल्व क्वेश्चन इन सिक्वेंस। अब यहां पे सीक्वेंस का मतलब बच्चा समझता है कि यार पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस का मतलब होता है, मान लो मेरे पास, मुझे क्वेश्चन 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4th नहीं आता, फिर 5 आता है, 6 नहीं आता, 7th आता है बट डाउटफुल हो कि पता नहीं सही कि गलत, तो हम क्या करेंगे, पहले 1, 2, 3 करेंगे, 4 अभी नहीं करेंगे, 5 कीजिए, 6 कीजिए, 7 में डाउट है अभी नहीं करूंगा, 8 करूंगा, 9 करूंगा, ऐसे करते करते पहले जिन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर तरीके से आता है पहले पूरा सॉल्व कर लो। ये नहीं कि 4th नहीं आता तो 4th का हमने स्पेस छोड़ दिया, नहीं छोड़ना स्पेस, क्यों छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो आप। और अटेम्प्ट करने के बाद अब लास्ट में जिन क्वेश्चन में आपको डाउट था या नहीं आता था, आप उस पर तुक्का मारना चाहते हो, किसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, उसमें भी पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें सिर्फ डाउट था, तो उनको पहले सॉल्व कीजिए, फिर जो नहीं आता था उसमें तुक्का मारना है वो सॉल्व कर दो। ये सीक्वेंस का मतलब होता है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता मैं उसमें खड़ा हो गया कि यार ये तो मैं करके ही आगे बढ़ूंगा, तो ये बेवकूफी है, कैसे करेगा जब जानता नहीं है, तो भूल ही गया तो क्या हो जाएगा उसमें, तो हम आगे पूरा करेंगे। और याद रखना 100 में 100 मार्क्स लाना है, ये सपना हमारा नहीं है, मैं कभी भी ऐसे सपने नहीं देखूंगा, मैं तो देखूंगा यार मुझे बेस्ट तैयारी करना है, मार्क्स क्या आएगा देख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे काम कीजिए और आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मुझे पता है आप बहुत अच्छा भविष्य लेकर अभी आगे आने वाले हैं,
मैं सक्सेस पा लिया, आगे बढ़ूंगा। सक्सेस कम मिला, नहीं मिला, तो भी आगे बढ़ूंगा। लाइफ और आपका अपना जो समय है वो कभी रुकेगा नहीं, है ना बच्चे। तो आप सबको रियली में ऑल द बेस्ट पूरे दिल से बोल रहा हूँ, और आप तैयारी कीजिए, मस्ती कीजिए, और ये पर्व जो आपका एग्जाम का होने वाला है आप उसको एंजॉय कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे हम होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम, आपके और भी कई सारे पर्व होते हैं जिस तरीके से हम एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से इस पर्व को भी हमें एंजॉय करना है। ये खास हम 12वीं क्लास के बच्चों के लिए पर्व बना हुआ है, तो मजा तो आएगा और हम एंजॉय करेंगे, मुझे इस बात का आप पे विश्वास है। टेंशन नहीं, जहां भी टेंशन आएगा तो पता है ना मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु, सभी भगवान मैं ही हूं। टेंशन आएगा एक बार आंख बंद करना और फिर मैं आपको खूब सारी शक्ति यहां से दे दूंगा। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।